सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। एक ही नारा, एक ही काम, स्वच्छ माहौल, सबको सम्मान, ये नारा दिया है राजीव कुमार उर्फ गोल्डी शुक्ला, जो कहीं ना कहीं अपने आप को विकल्प के तौर पे पेश किया है वार्ड नंबर 7 में। जनाधार की बात तो करते हैं, जन समर्थन की बात तो करते हैं, लेकिन बात अब उनके लिए करना चाहिए जिनका समर्थन चाहिए, यानी कि विजन, यानी कि जनता के लिए क्या खास काम करना है। तब जब अब तक आपके पार्टी के हर एक गली गली क्या क्या लग रहा है कि किसी मोहल्ला में कोई प्रॉब्लम हो, किसी मोहल्ला में कोई प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है? सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या पानी निकासी की। मैं अपने वार्ड में घूम करके देखा, क्योंकि नाली की पूरी तरह से व्यवस्था हमारे वार्ड में नहीं, इसके वजह से जल जमाव जबरदस्त रूप से हमारे क्षेत्र में। उस जल जमाव को दूर करने का प्रयास मैं प्राथमिक तौर पर करूँगा, क्योंकि जब जल जम पानी की निकासी की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो जल जमाव नहीं होगा। सांसद कोटा है, विधायक कोटा है, बाकी अन्य कोटे कर नहीं पाते खड़ा कर, क्या आपकी सक्रियता इस रूप में रहेगी कि सबका साथ लेकर के चलना और विकास की नहीं करना? बिल्कुल, मेरा एक ही नारा है, सबका साथ और सबका विकास। जो भारतीय जनता पार्टी का है, नहीं देखिए वो तो मान लीजिए जन जैसे ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है, लेकिन वार्ड नंबर 7 में मेरा भी वही एक नारा है। छोटा सा ये मान लीजिए, हम लोग छोटे क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन हमारा भी वही नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, ये हमारा लोगों भी बना हुआ है, विकास हमारा प्रयास। लेकिन लगता है कि जातिवाद से ऊपर उठ के चल रहा है वार्ड नंबर 7? बिल्कुल, यहाँ जातिवाद की कोई राजनीति नहीं हो रही, क्योंकि हमारे साथ हर वर्ग के लोग और सभी वर्ग के लोगों का समर्थन, मुझे भरपूर समर्थन मिला। लोग मच्छर से ही बड़ी परेशान रहते हैं जी, क्या लगता है इसका उपाय क्या है? वही बताया तो मैं आपको कि जल जमाव ये हमारे क्षेत्र में जबरदस्त रूप से। तो स्वास्थ्य विभाग के लोग डीडीटी वगैरह भी छिड़काव करने नहीं आते? भाई हम लोग तो पंचायत क्षेत्र में थे, तो पंचायत में तो ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। तो अब मान लीजिए नगर निगम बन गया है, तो वॉमिंग की व्यवस्था आने वाले समय में निश्चित रूप से होगी, तो मच्छर से निजात के लिए ऐसा व्यवस्था हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि हर हफ्ते कम से कम वॉमिंग हो हमारे क्षेत्र में, ताकि मच्छरों से हमारे वार्ड के लोगों को निजात मिले। सक्षम ये है, अगर आप चाहें तो ब्लीचिंग पाउडर भी सिखा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा, वक्त इसलिए बताएगा क्योंकि कहीं ना कहीं प्रयास होगा विकास का, विकास का प्रयास होगा तो गोल्डी गोल्ड ले आ पाएंगे या नहीं, ये तो हम 20 अप्रैल को मालूम चलेगा, क्योंकि 16 अप्रैल को आपका दिन है। समर्थन तो दे रहे हैं, वोट भी डाल दीजिएगा बटन दबा करके, क्रमांक संख्या 5 5 पर। चलिए शुक्रिया।